तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू कतरी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ, जैसे लग रहा है एकदम मार्केट वाला काजू कतरी है। तो काजू कतरी बनाने के लिए हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए और एक भी स्टेप भूलिएगा मत, सारा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये काजू कतरी कैसे बना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काजू कतरी। तो काजू कतरी बनाने के लिए हमको तीन सामान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, ये काजू ले ली हूँ, ये चीनी है, ये 2 चम्मच घी है। तो ये तीनों चीज़ से हम काजू कतरी बनाएंगे, एकदम मस्त काजू कतरी बनेगा और एकदम मार्केट के जैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो काजू है ये हमारा 250 ग्राम काजू है, 200 ग्राम चीनी है और 2 चम्मच घी है। अगर आप चीनी यहाँ पे ज़्यादा लेना चाहती हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करना चाहती हैं, तो आप इसके बराबर चीनी कर सकती हैं, और कम मीठा पसंद है तो इससे कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम चीनी ली हूँ, 250 ग्राम काजू है। तो इसको हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे और इसका एकदम अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। उसके बाद से हम बताते हैं काजू कतरी कैसे बनेगा। तो काजू कतरी का मिठाई किसको नहीं अच्छा लगता है, और काजू कतरी का मिठाई जो है बर्फी बहुत महंगा मिलता है। अगर आप घर पे काजू कतरी बनाएंगी तो एकदम कम बजट में आपका काजू कतरी बन जाएगा और स्वाद एक नंबर का मिलेगा, एकदम दुकान से भी अच्छा स्वाद मिलेगा, एकदम अच्छा से बनेगा भी। तो ये काजू कतरी हम रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, मतलब किसी भी त्यौहार पे हम बना सकते हैं, और ये ज़्यादा करके दिवाली में बहुत अच्छा लगता है और राखी पे। तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमको ग्राइंडर जार चाहिए, तो इसको हम पाउडर बनाएंगे। तो देखिए, इसको जो काजू पे काला काला रहता है कहीं कहीं, तो उसको हम अच्छे से साफ कर ली हूँ। साफ करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको हम ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। तो हमको देखिए, इसका पाउडर जो है हमको एक बैग इसको चला के नहीं पीसना है, हमको 2 मिनट चलाना है, 2 मिनट बंद करना है, 2 मिनट चलाना है, 2 मिनट बंद करना है। अगर आप एकदम इसको चलाएंगी तो ये पेस्ट की तरह हो जाएगा, इसमें से तेल छोड़ने लगेगा। तो हमको रुक रुक के इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू को मैं अच्छे से एकदम पाउडर बना ली हूँ। तो इसको हम छन्नी से छानेंगे, इसमें का जो दरदरा रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम छन्नी से छान लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैं सारा छन्नी से छान ली हूँ, और ये देखिए थोड़ा सा दरदरा बचा है। तो इसको हम, आप चाहे तो इसको खीर में इस्तेमाल कर सकती हैं, सब्जी में इस्तेमाल कर सकती हैं इसको। तो हम साइड में रख लेते हैं, इसको खीर में हम डाल देंगे। और अब चलते हैं हम काजू कतरी बनाने। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए और देखिए काजू कतरी कैसे बनता है। एकदम हम आपको एकदम इजी तरीका बताऊंगी काजू कतरी बनाने के लिए, और एकदम आसानी से आप बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये 200 ग्राम चीनी है, इस गिलास से 1 गिलास है। तो इसको हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में, और कढ़ाई हमको थोड़ा सा यहाँ पे मोटा लेना है और एकदम मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो इसमें हम पानी डालेंगे 1/2 गिलास। तो देखिए, ये चीनी मैं इसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ, और ये गिलास से 1/2 गिलास पानी डालूंगी, और इसको हम ऐसे एकदम ऐसे चलाते रहेंगे। तो ये जो चीनी है इसको एकदम हम पानी में एकदम अच्छे से घुल जाना है, इसका हमको कोई चाशनी नहीं बनाना है। ये पानी में अच्छे से घुल जाए और कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीनी एकदम पानी में अच्छे से एकदम मेल्ट हो गया है, और इसको 2 मिनट और ऐसे हम पकाएंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा 2 मिनट हो गया है और इसका कच्चापन एकदम खत्म हो गया है। तब इसको हम एकदम लो फ्लेम करके, या तो हम नीचे उतार देंगे कढ़ाई को, या तो एकदम लो फ्लेम करके हम इसमें काजू का जो पाउडर है उसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। लगती है कढ़ाई को मैं नीचे रख ली हूँ, और इसमें मैं ये पाउडर मिक्स करूँगी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और एक भी स्टेप मत भूलिएगा, एकदम इसी तरह से बनाइएगा, आपका मिठाई बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसको देखिए, हम इसी में सारा डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमको इसी तरह से इसको मिक्स करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हम गैस पे इसको रखेंगे, इसमें कोई बबल्स ना आए और एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, तभी हमारा मिठाई एक नंबर का बन के तैयार होगा। दिवाली, दशहरा, राखी पे बनाइए और इंजॉय करिए। तो आपको जब भी मन करे कोई मीठा खाने के लिए, कोई भी चीज़, तो आप ज़रूर काजू कतरी बना के खाइए, देखिए आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा।
तो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और इसको आप जितना ही ऐसे इसको फेटेंगे उतना ही इसका डो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं, इसको गैस पे रखते हैं और एकदम लो टू मीडियम फ्लेम। तो आप देख सकते हैं मैं गैस पे रख दी हूँ, एकदम मीडियम फ्लेम रखी हूँ और इसको हम एकदम ऐसे ही चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जितना आप चलाएंगे उतना अच्छा ये मिठाई का डो बन के बहुत अच्छा तैयार होगा। तो अभी मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं की हूँ, अभी ये थोड़ा सा इसको ऐसे फेंट लूँ, उसके बाद से हम घी इसमें डालेंगे। तो आप देख सकती हैं ये हमारा 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये घी डालेंगे और इसको ऐसे फेंटेंगे, बढ़िया से एकदम फेंटेंगे। तो इसको हमको ये एकदम चलाना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसे आप चलाते रहिए, जैसे इसका डो अच्छे से बन के तैयार होगा ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अभी देखिए हमारा डो अभी तैयार नहीं हुआ है, इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं डो हमारा एकदम अच्छे से ठीक हो गया है। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा डो मिठाई के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो इसमें से देखिए हम थोड़ा सा लेंगे और इसका ऐसे गोली बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे गोली बनाएंगे। तो देखिए गोली अगर बन गया तो समझिए हमारा डो मिठाई के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो देखिए कितने अच्छे से गोली बन गया है। अब ये हम गैस को बंद करते हैं और इसको नीचे उतारते हैं। तो ये हमारा मिठाई जो तैयार हुआ है, तो ये देखिए ये बटर पेपर है, बटर पेपर पे हम ऐसे घी लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी थाली में भी रख सकती हैं। मेरे पास बटर पेपर है तो मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम घी लगा लेंगे और हाथ में भी घी लगा लेंगे। तो ये जो डो है इसको हमको 2 मिनट अच्छे से मसलना है, इसको हम रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हाथ में मैं घी लगा लूंगी और ये बहुत गर्म है। तो देखिए हम ऐसे करके इसको डो को एकदम ऐसे ऐसे मसल लेंगे जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए ये 2 मिनट हो गया, अभी गर्म है, हल्का गर्म है। अब इसको हम अच्छे से लोई बना लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये किस तरह से हम इसको मसल रहे हैं। तो आपको ऐसे ही 2 मिनट तक इसको ऐसे मसलना है कि जब तक ये डो अच्छे से तैयार ना हो जाए आटा के जैसे, वैसे तब तक हम मसलेंगे। तो देखिए अब हम एक बेलन लेंगे और बेलन से इसको अच्छे से हम बेलेंगे, एकदम हल्के हाथ से हमको बेलना है और बेलन पे भी हम घी लगा लेंगे। तो देखिए ज्यादा ठंडा करके इसको बेलना नहीं है, हल्का गर्म रहे तभी हम बेलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिठाई हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। इस पे हम चांदी का वर्क लगाएंगे, तो आपके पास है तो लगा सकती हैं। तो देखिए हम इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये काजू कतरी हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम काजू कतरी को काटने चलते हैं। तो देखिए हम ऐसे ही काटेंगे एकदम बर्फी के जैसा, जैसे काजू कतरी रहता है। तो ये हल्का हल्का गर्म रहे तभी काटें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काजू कतरी का पीस कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और देखिए काजू कतरी हमको ज्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि काजू कतरी पतला ही रहता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं एक बार आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, उसके बाद से मैं डेकोरेशन करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा हुआ, एकदम परफेक्ट मिठाई बना हुआ है और एकदम सॉफ्ट जो खाते ही मुँह में घुल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू कतरी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ, जैसे लग रहा है एकदम मार्केट वाला काजू कतरी है। तो काजू कतरी बनाने के लिए हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए और एक भी स्टेप भूलिएगा मत, सारा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये काजू कतरी कैसे बना है। तो काजू कतरी इतना सॉफ्ट इतना मस्त बना हुआ है कि डालते ही मुंह में घुल जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप दिवाली राखी पे जरूर बनाइए और इस मिठाई के साथ त्यौहार मनाइए, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये मिठाई हमारा कैसा बना है, कितना सॉफ्ट है और देखिए बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये काजू कतरी आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।